बिहार की शोक नदी कहे जाने वाली कोसी नदी हर साल कहर बरपाती है। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल से गुजरती कोसी नदी ने कई गांव के सैकड़ों घरों और सैकड़ों एकड़ जमीन को अपने आगोश में समा लिया। इस वर्ष भी कोसी अपना किनारा काटने को आमदा है। नवगछिया अनुमंडल के खरीक प्रखंड अंतर्गत सिंहकुंड गांव के अस्तित्व को मिटाने के लिए कोसी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कोसी की धारा इस कदर भयावह हो गई है कि जमीन के जमीन, घर के घर कटकर कोसी की धारा में विलीन हो जा रहे हैं। हर साल यही हालात रहते हैं। हर घंटे 20 से 30 फीट जमीन कटकर कोसी में विलीन हो जा रही है। ग्रामीण भयभीत हैं, रत जगा कर रहे हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों ने जन प्रतिनिधियों और प्रशासन के प्रति आक्रोश भी जताया है। कटाव पीड़ित दिनेश राय ने कहा कि बहुत मेहनत से घर बनाते हैं, बहुत खर्चा होता है, लेकिन सरकार कुछ नहीं देती। चार बार मेरा घर कट गया है, सरकार से मांगा है बसने के लिए जमीन दें। पॉलीथीन के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। एक बात बताइए, हाँ, कितना मेहनत से घर बनाते हैं? बहुत मेहनत लगता है, बहुत खर्चा लगता है, बहुत। अब सरकार कुछ देता है, कर जाता है। चार खेप घर हट गया हमारे को, चार बार हम लोग एक बार कुछ है सरकार देता है। क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे बसवा दीजिए, घर दीजिए। कुछ नहीं बहुत पन्नी तंगी रह जाए, कन्ने बैठे जी सुते छे। काम जो हो रहा है, क्या काम? काम तो हो ये रहे या बस जाए। वहीं दिलीप राय ने बताया कि परेशानी बहुत है। घर कटने के बाद बगीचे में पॉलीथीन डालकर रह रहे हैं। व्यवस्था कुछ भी नहीं है। 3 वर्ष पहले घर बनाए थे, इस वर्ष मिलाकर मेरा घर 5वीं बार कटा है। सरकार ने कुछ भी नहीं दिया अभी तक। परेशानी तो देखिए बगीचा में चौनो से न पंडितानी का यहाँ से कटला घर, वहाँ बगीचा में पंडितानी का व्यवस्था कुछ नहीं था। लेकिन अब एखनी हमरा सबके घर रोजगार नहीं बने पाते। घर हमारा ऐसा बनत या सब 3 साल लगभग रख। हाँ, हमें सब चार खेत कट्टी की छी, अभी तक एक टका नहीं मिल रहा। चार बार या अभी 5 बार में जा रहा छे। शुरू में रहे है वहाँ सबसे पहले, तब वहाँ से जहाँ बालू टोला से धक्का जहाँ भिता पर सब नहीं हर बाल भर टोला में जहाँ सुनो, वहाँ से घर बन जहाँ है ये बीचो में, वहाँ फिर घर बन जहाँ उठा के यहाँ। वहीं सुबोध राय ने कहा कि यहाँ पर कोई काम नहीं होने वाला है, सिर्फ बोरा जमा कर देता है ठेकेदार, लेकिन वो बोरा कोसी नदी में चला जाता है। काम सही नहीं हो रहा है, कोई देखने नहीं आता है, घर कट रहा है। दृश्य ऐसा है कि आदमी को रहने की जगह नहीं है। यहाँ पर कुछ काम होने वाला नहीं है, बस सिर्फ बुरा देखते हैं, जमा कर देता है ठेकेदार ने, बस उसके बाद कोसी में स्वयं चला जाता है। यहाँ पर एक भी बोरी का जगह नहीं हो रहा है, काम सही कोई काम नहीं चलता है। तो कंपनी का मालिक है? मालिक जो है मुंशी एक ठो है, मुंशी ये नहीं करवाता है, मालिक आता है, मुखिया रहता है, कोई भी आदमी नहीं, एक कोई आदमी नहीं। बोरा खाली भरा, बस बोरिया भर के जमा किया, कोसी में गया, अब फिर जमा हो रहा है, यही फिर कोसी में जाने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। उधर घर कट देखिए रहे, देश कैसा है कि आदमी को रहने का जगह नहीं है, कि कहाँ पर ठाठ रखेंगे, कहाँ पर कोई चीज सामान रखेंगे। वहीं इस बीच जदयू विधायक गोपाल मंडल ने जल संसाधन विभाग पर बड़ी बात कही। गोपाल मंडल ने कहा कि कटाव में पैसा फेंक रहा है, ये सब लूटने का चक्कर है। जल संसाधन विभाग का मतलब ही लूट है। इस विभाग को लेने के लिए मंत्री लोग मार करता है, ठेकेदार मंत्री से मिल लेता है, काम शुरू कर देता है। गोपाल मंडल ने सीधे तौर पर अपनी सरकार सहित जल संसाधन विभाग पर लूट का आरोप लगाया है। देखिए बात यह है, कटाव तो पहले उतना कटाव नहीं होता था। पहले गंगा का धारा जो था ना ढंग से चलता था, अब वो क्या कहा जाए, कहाँ बराज, हाँ कहाँ पर फरक्का बराज में सो गाद बैठ गया, वो पत्थर का रूप ले लिया, ऊंचा हो गया, बैठते बैठते बैठिए रहा तो पानी टप नहीं पाता। जब तक गाद को समाप्त नहीं करेगा तब तक बार रहेगा, कटाव चलते रहे। मैं तो साग खास करके बिहार सरकार, केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ, इन लोगों को इतना जो कटाव में पैसा लगाता है, जहाँ गंगा का किनारा है जहाँ कटता है, यहाँ से वहाँ बाउंड्री बांध दे, ढलाई कर दे,
हाँ मजबूत ढलाई कर दे, उतरने का सीढ़ी उतार दे गंगा में। काहे के लिए इतना इतना पैसा फेंक रहा है? लूटने का चक्कर है, समझे ना, लूट का छूट। कटाव रोटी करी पहचान अब भैया जाता है, जल साधन विभाग है ये है लूटो। जल साधन विभाग लेने के लिए मार करता है मंत्री लोग, ठेकेदार लोग भी, बड़ा बड़ा ठेकेदार कोई यहाँ का करता है? उसे मोकमा का आता है तो बेगूसराय का आता है, कहाँ कहाँ से आता, उधरे का मंत्री से मिलिए लेता है, काम शुरू करता है। हम लोगों की कोई पहचाने नहीं, हम लोग पकड़िए नहीं पाते कौन है नहीं। हम लोगों के हाथ में डंटा रहता दे देता ना तो साला बढ़िया काम होता, कटवे नहीं करता। सिंह कुंड में सर काफी तेज कटा, सिंह कुंड में कटा पहले काम होता तो गांव बसता। ये स्वभाव है मंत्री महोदय की, जिसका कहिए। हम कहते हैं जब बैसाख का टाइम है, पानी सूख गया, उस टाइम में टेंडर होना चाहिए। पानी का लेयर ऊपर हो जाता है तब टेंडर होता है। जूनियर इंजीनियर विजय कुमार सिंह ने बताया कि 20 दिन से काम कर रहे हैं, इससे पहले एंटी रोजन का काम नहीं हो पाया। 20 दिन से लगभग कर रहे हैं। 20 दिन से। उसके पहले आदेश नहीं था, क्या था उसके पहले कटाव रोकने की? क्योंकि पहले अगर काम होता तो रुकता कटाव, आप भी जानते हैं। उसके पहले जो है एंटी रोजन का काम नहीं हो पाया तो यहाँ फिर फ्लड के टाइम में जब पानी बढ़ा तो यहाँ कटाव हुआ, तो ग्रामीण वगैरह और विधायक महोदय सब विभाग को सूचित किए, तो वहाँ से फिर नवछा स्कूटी साहब हम लोग को यहाँ भेजे देखने के लिए। देख के भी हम लोग रिपोर्ट किए कि हाँ सही में यहाँ पर कटाव हो रहा है, तो फिर अध्यक्ष महोदय एस सी साहब को यहाँ लाए थे, यहाँ साइड पूरा घूमे, घूमने के बाद तब तो कहे कि ठीक है इसका स्लोप कटिंग कीजिए। तब तक क्या क्या काम हुआ कटाव? यहाँ शुरू में स्लोप कटिंग हुआ, स्लोप कटिंग करने के बाद दो तीन दिन के अंदर पानी तेजी से बढ़ा, वो स्लोप कट गया। फिर बेम्बू रोल का काम चालू हुआ, बेम्बू रोल भी भाग गया। हाँ बेम्बू रोल भी देते थे, इतना कटाव था, करंट था, बेम्बू रोल भी हो जाता। उसके पहले ट्री यानी गाछ वृक्ष भी काट करके दिए थे, कुछ बचा नहीं। वो भी कितना घर गिर गया आपके सामने अभी जिस दिन से है, कितना घर गिर गया? यहाँ करीब 6-7 घर गिर गया हो। पक्का मकान भी गिरा? हाँ पक्का भी दो गा पक्का मकान भी गिर गया है, 4 गो मुआवजा के लिए लिखे आगे बात किए हैं? मुआवजा का काम हम लोगों के विभाग से नहीं होता है, नहीं वो ब्लॉक स्तर से होता है, अनुमंडल स्तर से। वहीं पूरे मामले पर श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि हम लोगों ने प्रोसीडिंग में लिया है, जहां जहां भागलपुर का इलाके में जहां कटाव हो रहा है उसका DPR बनाने के लिए भरसक हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कटाव नहीं हो इसके लिए कार्य योजना तैयार किए हैं, इस पर काम चालू हो जाएगा, बाकी देखते हैं बेहतर क्या हो सकता है। विदित हो गोपाल मंडल भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से जदयू विधायक हैं और जल संसाधन विभाग भी जदयू के पास ही है और इसके मंत्री जदयू के वरिष्ठ नेता मंत्री विजय चौधरी के पास है। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।